Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discussed about the thermal expansion and types of thermal expansion. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऊष्मी प्रसार क्या होता है और ऊष्मी प्रसार कितने प्रकार से होता है. तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्मी प्रसार जो है तब होता है जब हम ताप में वृद्धि करते हैं. ध्यान रखिएगा कि जब हम वस्तुओं में ताप की वृद्धि करते हैं तो उसमें ऊष्मा का प्रसार होता है जिसे ऊष्मी प्रसार कहते हैं. ध्यान रखिए वस्तुओं में जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो ऊष्मा का प्रसार होता है जिसे ऊष्मी प्रसार कहते हैं. और ये ऊष्मी प्रसार तीन विधियों से होता है. नंबर वन रेखीय प्रसार, नंबर टू क्षेत्रीय प्रसार और नंबर थ्री आयतन प्रसार. ठीक है ना, इन तीन तरीकों से होता है. तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि रेखीय प्रसार क्या होता है. तो रेखीय प्रसार देखिएगा, ये कोई छड़ है जिसका प्रारंभिक लंबाई L नॉट है और मान लेते हैं कि प्रारंभिक ताप जो है वो T नॉट है. ठीक है ना, जब इसमें हम ताप में कुछ वृद्धि करेंगे, ये हमने क्या किया, ताप वृद्धि, यानी अब हमने ये कर दिया T2 जिसका मान TT है. ठीक है ना, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी अज्ञात ताप पर है तो इसकी लंबाई अब टी डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी LT. ठीक है ना, और वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L. तो जब इस तरीके से लंबाई के अनुदिश वृद्धि होती है तो उसे रैखिक प्रसार बोलते हैं. ठीक है ना, तो जब मतलब किसी भी क्षण में ताप में वृद्धि करके उसकी लंबाई में वृद्धि करना रेखीय प्रसार कहलाता है. ठीक है ना, तो जब रेखीय प्रसार होगा तो देखिएगा ये डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, ये जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पर. और डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 या T माइनस T नॉट, ये लिख सकते हैं आप. ठीक है ना, तो माना कोई क्षण जिसका प्रारंभिक ताप टी नॉट है और लंबाई एल नॉट है, जब इसका ताप में वृद्धि टी तक करते हैं तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो जाती है, अर्थात क्षण की कुल लंबाई एल टी हो जाती है. तो इस प्रकार से जो लंबाई में परिवर्तन है, यानी एकांक लंबाई में हुए परिवर्तन उसके तापांतर के समानुपाती होता है. तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. अल्फा गुणांक है जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं. मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. तो ये डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से आ जाएगा. या इससे हम देखिएगा LT इक्वल टू देखें तो ये LT किसके इक्वल है, इतनी लंबाई ये L नॉट है प्लस इतनी है डेल्टा L, और डेल्टा L का अगर मान रखें तो L नॉट अल्फा डेल्टा T. तो L नॉट कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये आ जाएगा LT. ठीक है ना, आप डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम जो रेखीय प्रसार है उसकी लंबाई रेखीय प्रसार गुणांक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ध्यान रखिएगा, नोट अगर आवश्यकता पड़ती है तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा, ये भी लिख सकते हैं इस सूत्र से. ठीक है, तो जहाँ जैसी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लेंगे. अब हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार.
तो देखिएगा, अब क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए है, तो माना ये कोई वर्ग है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है, प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 इक्वल टू A0 है, ठीक है ना। वाताप T0 है, जिसे हम T1 बोलते हैं, T0, ठीक। जब इसमें कुछ वृद्धि करेंगे तो ये क्षेत्रफल में इसमें वृद्धि होगी, यानी प्रत्येक भुजा रैखिकतया कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। तो अब जो ताप हो जाएगा, यानी ताप वृद्धि करने पर, तो ये आ जाएगा AT इक्वल टू ताप, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वृद्धि होकर के AT हो जाएगा, क्षेत्रफल AT होगा, ठीक है ना। व ताप क्या है, टी, यानी डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, या आप लिख सकते हैं TT माइनस T0, ये डेल्टा टी है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो गई डेल्टा टी, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या होगा कि जब क्षेत्रीय प्रसार होगा तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, तापांतर यानी एकांक क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो तापांतर के समानुपाती होगा, क्योंकि अगर ये ताप वृद्धि ना होती तो ये डेल्टा ए ना होता। तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू, ये कांस्टेंट आएगा, बीटा डेल्टा टी, तो डेल्टा ए इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी आ जाएगा, या इससे बीटा का मान निकालें तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी, ये बीटा आएगा, और बीटा को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब ये गुणांक है इसलिए इसको क्षेत्रफल में मिला है, इसलिए इसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। तो माना कोई वर्ग जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 बराबर A0 है और ताप T1 बराबर T0 है, जब इसमें ताप वृद्धि T डिग्री सेल्सियस तक करते हैं तो क्षेत्रफल वृद्धि होकर AT हो जाता है, तथा ताप अंतिम ताप TT इक्वल टू T2 है, यानी डेल्टा T का मान T2 माइनस T1 है, तो क्षेत्रफल में भी कुछ वृद्धि होगी जिसे हमने डेल्टा A से व्यक्त किया है। तो एकांक क्षेत्रफल में हुई क्षेत्रफल में वृद्धि उस समय तापांतर के समानुपाती होगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे नियतांक जिसे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहते हैं, इसे बीटा का मान निकाल दिया, या क्षेत्रफल का मान आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा, एटी इक्वल टू ये हो जाएगा ए नॉट प्लस डेल्टा ए, यानी ए नॉट प्लस डेल्टा ए का मान आया है बीटा ए नॉट डेल्टा टी, तो एटी इक्वल टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। इस तरीके से ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसी से हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं अल्फा व बीटा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध। तो देखिएगा ये क्या होगा कि माना कोई वर्ग है जिसकी प्रारंभिक भुजा 1 मीटर है, तो A1 हो जाएगा, जिसे आप A0 बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम जब ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो अब क्या होगा, माना प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, क्योंकि हर एक भुजा में कुछ वृद्धि हो गई, तो अब ये प्रत्येक भुजा जो हो गई 1 प्लस अल्फा, तो अब A2 जो होगा भुजा का स्क्वायर ये होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, A2 उच्च घाते छोड़ देते हैं तो A2 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये आया जब प्रारंभिक भुजा 1 मीटर थी, और जब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि किया तो प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगी, रैखिक प्रसार होगा, तो प्रत्येक भुजा माना
में प्रत्येक भुजा में अल्फा का रैखिक प्रसार हुआ, तो अब प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा ए इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, वन प्लस अल्फा सॉरी टू अल्फा माइनस ए वन का मान 1 है, तो डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा, ठीक है ना। जबकि हम जानते हैं कि बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इन टू डेल्टा टी। तो देखिएगा बीटा का मान हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर, और ताप वृद्धि कितनी के लिए है 1 डिग्री सेल्सियस। तो बीटा इक्वल टू कितने के आया डेल्टा ए के। तो मान लो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से तो बीटा का मान क्या आ जाएगा 2 अल्फा। तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा में संबंध भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए माना कोई वर्ग जिसकी प्रारंभिक भुजा 1 मीटर है, तो इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें ताप वृद्धि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो प्रत्येक भुजा में रैखिक प्रसार अल्फा होगा, अर्थात अब प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, तो क्षेत्रफल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अर्थात भुजा का स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ये हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर अर्थात उच्च घातें छोड़ देंगे, तो ए टू का मान 1 प्लस 2 अल्फा ये रहेगा, क्योंकि जो रैखिक प्रसार होता है बहुत न्यूनतम होता है, और उसका जब वर्ग करेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो डेल्टा ए का मान 2 अल्फा आ जाएगा, जबकि हम बीटा का मान जानते हैं डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इनटू डेल्टा टी। ए नॉट और डेल्टा टी का मान अगर रख दें तो बीटा का मान डेल्टा ए आ जाएगा। तो दोनों डेल्टा बीटा की वैल्यू डेल्टा ए की वैल्यू को इक्वल कर दें, डेल्टा ए 2 अल्फा है, तो हल करके बीटा का मान 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अल्फा और बीटा में संबंध भी ज्ञात कर पाएंगे।